जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खरीद से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो बंदा फाइल परचेज करना चाह रहा है DHA गुजरांवाला की, और मैं उसको कंप्लीट एक गाइडलाइन आज दूंगा, रेट्स का बताऊंगा और क्या टाइम है परचेजिंग का और क्या टाइम है बेचने का, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, सबसे पहले जनाब आप लोगों ने रूमर सुनी होंगी कि DHA गुजरांवाला में बैलेटिंग होने जा रही है। ये पिछले को तकरीबन 2 साल से काम चल रहा है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बैलेटिंग हो जानी है। 2024 में तो नहीं होगी, लेकिन 2025 में ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, आज अगर आप 5 मरला की फाइल परचेज करते हैं वो तकरीबन 20 लाख के अराउंड एग्जिस्ट कर रही है। आप 10 मरला की फाइल परचेज करते हैं तो वो तकरीबन 35-36 लाख के अराउंड एग्जिस्ट कर रही है। यही अगर आप कनाल की फाइल आपको रिक्वायर्ड है तो वो तकरीबन 58-59 के अराउंड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, रेट्स अगर इन रेट्स पे अगर चीज़ें बिक जाती हैं तो ये फाइल्स 50-50 हज़ार लाख रुपया महंगी हो जाएंगी। ठीक है, आप मेरी कब वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो राइट टाइम परचेजिंग का, इससे पहले ये रेट्स DHA ने जो मिनिमम टच किया हुआ है वो ये है कि कनाल आपकी 54 तक सेल हुई है, 10 मरला आपकी 32 तक सेल हुई है, और जो 5 मरला की फाइल है वो आपकी 18.25 तक भी सेल हुई है। ठीक है, वो फाइल्स बिक गई। ठीक है, उन रेट्स पर फाइल बिक गई तो क्या हुआ कि रेट जो है 50-50 हज़ार करके आहिस्ता आहिस्ता करके रेट्स बेहतरी की तरफ आए। ठीक है, अब ये साल जो है रियल स्टेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है कि DHA गुजरांवाला के अंदर विलास की बैलेटिंग होने जा रही है, विलास का पोजेशन होने जा रहा है, DHA गुजरांवाला का अपना ऑफिस रनिंग के अंदर आ रहा है। ये तमाम वो एंगल्स हैं जो एक बेहतरी की तरफ हैं। DHA गुजरांवाला के कुछ JVs असाइन हो रहे हैं कुछ डेवलपर्स के साथ, विलास कंप्लीट होने जा रहे हैं तो इनके डेवलपर्स सी और जी ब्लॉक के अंदर घर बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 32 घरों का एक डेवलपर के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता साइंस हैं बेहतरी के। और कब तक DHA गुजरांवाला लिवेबल हो जाएगा? 5 साल तक आपको ये फुल फ्लैज आपको रनिंग के अंदर नजर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि 5 साल में आपको ये DHA लाहौर की तरह नजर आएगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर आज फाइल परचेज करनी चाहिए इन रेट्स के ऊपर। देखें, आप वो टाइम अगर आप वेट करते रहेंगे, अब लोगों को हमने ये कहा कि 54 पे जब रेट आया था तो फाइल परचेज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। लोगों ने कहा कि ये मज़ीद नीचे गिरेगी। जिन रेट्स पे भी आप ले लेंगे ना, ये 50 के ब्रैकेट के अंदर ये ठीक है, सारे रेट ठीक है। जब DHA गुजरांवाला बैलेटिंग अनाउंस करेगा, उसको मार्केट करने लग पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में मज़ीद तेज़ी आएगी। मतलब कि जो आज 58 वाली फाइल है वो अगर बिक गई है तो अगले बंदे की ये ख्वाहिश है कि जब ये 59 या 60 मुझे मिलेगा मैं तब ही बेचूंगा, वो लोग आ जाएंगे इस कैटेगरी में। उस पर बिक गई, फिर कुछ इस तरह के लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने 65 तक इस फाइल को बेचना है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से करके डिमांड क्रिएट हुई होगी, तो जनाब आप उस चीज़ को कल को अगर आप उसको सेल भी करना चाहेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। नो डाउट कि फिलहाल टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, कनाल के ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपए तक आपके ट्रांसफ़र के चार्जेस लग जाते हैं। अगर वो सेकंड ट्रांसफ़र है, फर्स्ट ट्रांसफ़र है, 4 लाख तक आपके ट्रांसफ़र चार्जेस लग जाते हैं, तो ये सारा सीन है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए राइट टाइम है ये। अगर आप फिल वक्त आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो आपको अगर ये रेट 65 या 70 तक मिल जाता है कि 70 तक रेट आ गया यार मैं अब क्या करूं, तो फिर आपको फाइल परचेज नहीं करनी है। फिर आपने कब परचेज करनी है? जब एक बैलेटिंग हो जाएगी, उसके बाद दोबारा एक डंप आएगा। ठीक है, दोबारा फाइल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग पड़ेंगी, आपने फिर दोबारा परचेजिंग तब करनी है। बाकी DHA गुजरांवाला के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, हम लोग आपस में एक अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकते हैं। और जब भी काम करें रियल स्टेट का, एक पेटेंट बंदे के साथ आप काम करें और पेटेंट चीज़ लें। और यही मेरी आज की वीडियो थी आप लोगों के साथ, तो थैंक यू सो मच। आई होप सो कि नंबर नीचे आ रहा होगा, आपको कोई भी मज़ीद को क्वेरी आपको चाहिए हुई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।